जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस वीडियो पे। आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, क्या हम पीजी में एडमिशन ले अर्थात पीजी करें या बीएड करें, इसके बारे में कुछ जानकारी बता दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास जो अनुभव है उसके हिसाब से बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सर्वप्रथम आप लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, आई होप कि आप लोगों का जो अंक होगा वो ग्रेजुएशन में अच्छा खासा होगा, और नहीं है तो भी आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, अगर आप इच्छुक है ना कि हम टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को टीचर नहीं बनना है तो अन्य किसी कोर्स में ग्रेजुएशन के बाद जो हो रहा है या तो आप पीजी कर लीजिए या अन्य कोई तैयारियां हैं वो कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जो जो आप लोगों को मन में आता है, जो आपको इच्छाएं होता है, ठीक। कि बीएड किनको किनको करना है और किनको नहीं करना है, देखिए, अगर आपका इच्छा है कि हम टीचर बने और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे खासे अंक से, ठीक है, तब तो आप लोगों को बीएड करना जरूरी है। वैसे तो देखिए, स्कोप आप लोगों को एक ही मिलेगा कि आप बीएड करने के बाद टीचर ही बनेंगे, अन्य कोई पद आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। और वैसे नहीं कि बीएड कर लिया हम टीचर बन गए, नहीं, इसके लिए अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि टाइम भी लग जाए, किसी को जल्द हो जाता है, किसी को देरी से होता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट पे जो है ना निर्भर करता है कि आप लोगों के जॉब कब लगेंगे नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर भी तैयारी भरपूर करना पड़ेगा, ये आप लोग को तो पता ही है। सबसे पहले देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अगर आप साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं ना, ठीक है, तो आप बीएड कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और आप लोगों को आर्ट्स से होंगे आप लोग आर्ट के, तो आप लोगों का अगर हिंदी ऑनर्स हो या मैथिली ऑनर्स हो या इंग्लिश ऑनर्स हो, इस तरह के ऑनर्स आप लोगों को देखने को मिले ना तो झट से कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत सीट खाली रहता है। बात कर लेते हैं अदर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थात सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट आप लोगों का हो जाता है, तो उसमें थोड़ा जो है ना मारामारी देखने को मिल जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि अधिकतर जो कैंडिडेट रहता है वो आर्ट स्ट्रीम में रहता है, और आर्ट स्ट्रीम में सबसे ज्यादा आप लोग देखिएगा तो हिस्ट्री के कैंडिडेट मिलता है, उसके बाद ज्योग्राफी का मिलता है, इसी तरह से मिलता रहता है, पॉलिटिकल साइंस का मिलता है, तो ये सब ऑनर्स है ना, तो आप लोगों को देखिएगा कि आप लोगों के जो अंक है वो अच्छा खासा आया है कि नहीं, 60% 65% से ऊपर आया है या नहीं। वैसे एलिजिबिलिटी तो 50% ही है, किसी का तो 45% तक ले लेता है, लेकिन करने से नहीं होता है, आप लोगों को उस योग्य बनने से होता है कि आप आपका जो क्राइटेरिया है कर पाता है, कट ऑफ पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसको देखते हुए आप लोगों को ये कदम उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग टीचर बनना ही चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं और मैट्रिक और इंटर में आप लोगों को अच्छा अंक है, ठीक है, अच्छा अंक है, फिर ग्रेजुएशन में आप लोगों का कम अंक मिल गया है, तब तो यहाँ से टर्न आप लोगों को पीछे जाना है, अर्थात जो ट्वेल्थ बेस के जो डीएलएड है वो कर लेना है आप लोगों को, अगर मैट्रिक इंटर में आप लोगों को अच्छा अंक मिला है तो, ठीक है, और ग्रेजुएशन में कम अंक मिल गया है तो आप लोगों को डीएलएड करके आगे बढ़ जाना है। अगर आप इधर आते हैं तो ग्रेजुएशन में मारामारी होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। अब हम एक बात और कर लेते हैं कि पीजी करिएगा तो क्या फायदा होता है। देखिए, पीजी करिएगा तो ऐसे नहीं कि आप लोग एडमिशन ले लिए और घर में जाकर के सो गए, नहीं, पीजी बीजी दोनों बराबर होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ता है प्रत्येक 6 महीना पे, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम तो हो गया, इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है, वो भी कॉलेज में देना पड़ता है, तो लगभग लगभग आपको जो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ले करके लगभग 64 एग्जाम होगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा 2 साल में। इंटरनल है आप लोगों का, एक्सटर्नल इसी में शामिल है, प्रैक्टिकल भी उसी में शामिल है, सब कुछ मैं उसी में शामिल कर दिया हूँ। और आप लोगों को आप लोग यह भी सोच लीजिए कि आप लोग जब जिस समय तक आपका पीजी कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी दौड़ते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा, फिर क्लास करना पड़ेगा, ये होता है। लेकिन आप अन्य विकल्प और चुन सकते हैं, जिसको इच्छा है पीजी करे तो वो पीजी भी कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पहले पीजी कर लेते हैं उसके बाद बीएड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो देखिए मेरा सलाह यही रहेगा कि आप लोग अगर पीजी करना ही चाहते हैं या बीएड करना ही चाहते हैं
तो पहले बीएड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पीजी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिलसिला अच्छा रहता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो साफ साफ बता दिए हैं कि अगर आपको मैट्रिक इंटर में अच्छा अंक मिला है तो आप अच्छा है कि आप डीएलएड कर लीजिए। अगर आपको ग्रेजुएशन मैट्रिक और इंटर में अच्छा अंक मिल गया है, ग्रेजुएशन में भी अच्छा खासा अंक मिल गया है, तब तो सलाह देंगे आप बीएड कर लीजिए। और इसमें भी आप लोगों को ये सब्जेक्ट बता देंगे, साइंस वाला रहेगा तो आप मन करके कर लीजिए, और कॉमर्स वाला रहा तो वो भी सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाता है, उसके बाद जो आर्ट वाला रहता है वो भी सोशल साइंस के अंतर्गत आ जाता है ग्रेजुएशन में। तो इस हिसाब से आप लोग बीएड करिएगा तो आप लोग सोशल साइंस के अंतर्गत ही आएंगे, तो सोशल साइंस पढ़ाना पड़ेगा। और आर्ट में अगर इंग्लिश या संस्कृत या आपका हिंदी ये सब मैथिली ये सब ऑनर्स है तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, बीएड अच्छा रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को टूटे मुठे शब्दों में जो हुआ मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, और होगा तो और जो विशेष जानकारी है जो बीएड को लेकर के है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे करना है और कहाँ से करना है सबसे बेस्ट रहेगा, कम पैसा में कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से करना चाहिए और किस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।